लखनऊ से चली साइकिल सत्याग्रह रैली का कानपुर देहात में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष राजेश कुशवाहा ने तमाम प्रस्ताव कार्यकर्ताओं सहित किया। फूलमालाओं से जोरदार स्वागत, ताकि सत्याग्रह रैली की अगुवाई कर रहे अवध कुमार ओझा ने बताया कि यह साइकिल सत्याग्रह लखनऊ से चला है और आज कानपुर देहात पहुँचा है। आज रात हमारे सभी टीम के सदस्य कानपुर देहात में रुक कर आराम करेंगे और फिर कल सुबह औरैया इटावा होते हुए दिल्ली के लिए रवाना होंगे। साथ ही अवध कुमार ओझा ने बताया कि इस साइकिल सत्याग्रह रैली का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था और बढ़ रही बेरोजगारी के साथ ही आईएएस परीक्षार्थियों की सुविधाओं को बढ़ाना भी है। यह साइकिल सत्याग्रह रैली दिल्ली पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति के हाथों में एक ज्ञापन सौंपें कि और प्रदेश के मुद्दों को राष्ट्रपति के सामने रखेंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष राजेश कुशवाहा ने कहा कि बसपा सुप्रीमो शिवपाल सिंह यादव के निर्देश पर आज हमें इस साइकिल सत्याग्रह रैली का एक हिस्सा बनने का मौका मिला। और जैसा कि अवध कुमार ओझा ने बताया कि प्रदेश में बेरोजगारी और बिगड़ती कानून व्यवस्था, कहीं पत्रकारों के साथ हो रही घटनाएं, इन सभी मुद्दों को राष्ट्रपति तक पहुँचाने की एक कवायद है। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिवपाल यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कोरोना के इस महामारी के दौर में, जब लगभग सभी लोग इतना संकट से गुजर रहे हैं और ख़ासकर आईएएस के विद्यार्थी, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट करने का वादा किया कि आप चाहते हैं कि एक प्रयास उनका बढ़ाया जाए, हम आपके साथ हैं। इस साइकिल सत्याग्रह का मूल उद्देश्य ये है, कि हम उस अपने उद्देश्य के साथ साथ जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की नीतियां हैं कि बेरोजगारी पर भी सरकार ध्यान, हम ये जो निवेदन कर रहे हैं वो किसी एक मुद्दा है। साथियों, ये जो साइकिल यात्रा प्रोफेसर साहब के नेतृत्व में लखनऊ से रवाना हुई, इसका उद्देश्य आपने बताया कि आईएएस के जो परीक्षार्थी हैं उनका एक अटेम्प्ट और बढ़ाया जाए, क्योंकि देश किसानों का है और किसान के बेटे जो हैं वो नहीं पहुंच पाते टाइम से, अपनी उम्र थोड़ी सी उनकी बढ़ जाती है, इसलिए आपकी सर्वोच्च मांग है कि आईएएस का अटेम्प्ट बढ़ाया जाए। इसलिए इसका जो समापन है वो दिल्ली में होगा,